गाइस, द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हिंदू धर्म के प्रमुख आस्था प्रतीकों में से एक शिव और शिव का प्रतीक शिवलिंग, जिसकी आराधना प्रमुख मानी जाती है, को हिंदू धर्म से लेकर अन्य धर्मों तक के सभी लोग महादेव शिव का गुप्तांग मानते हैं। भारत में पहले मुगलों फिर ब्रिटिशर्स के आने के बाद शिवलिंग की आराधना को लेकर अनेकों तथ्य सामने आए। मुख्यतः अंग्रेजों तथा मुगलों द्वारा शिवलिंग को शिवजी के लिंग की संज्ञा दी गई और दुर्भाग्यवश सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म के लोगों ने भी बिना किसी आपत्ति के इस तथ्य को स्वीकृति दे दी। तो दोस्तों, हम आज द डिवाइन टेल्स पर आपको परिचित कराएंगे शिवलिंग की वास्तविकता से। हम यह भी बताएंगे कि शिवलिंग को क्यों एक पवित्र प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। इस वीडियो को कृपया पूरा देखिए। दोस्तों, देवभाषा संस्कृत के कुछ शब्द हिंदी शब्दों से मेल खाते हैं, परंतु इनके अर्थ भिन्न होते हैं। उदाहरण के लिए, योनि शब्द के दो अर्थ हैं। पहला, स्त्री की जननेन्द्रियां, तथा दूसरा, जब जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है तो उसकी एक योनि बनती है। ऐसे ही एक और उदाहरण है अर्थ, जिसे शास्त्र के संदर्भ में भी प्रयोग किया जाता है और पैसे के संदर्भ में भी, और इसका एक अर्थ है किसी चीज का मतलब बताना। तो हम देख सकते हैं कि एक ही शब्द के तीन अर्थ हैं। तो जो अर्थ जहाँ पर उपयुक्त होता है उसका वहाँ प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार लिंग शब्द के भी दो अर्थ हैं। संस्कृत भाषा का ज्ञान न होने के कारण लिंग शब्द का अर्थ गुप्तांग लिया गया, जबकि संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह। इस प्रकार शिवलिंग का अर्थ है शिव का प्रतीक या शिव का चिन्ह। यदि हम व्याकरण पर एक दृष्टि डालें तो लिंग के तीन प्रकार बताए जाते हैं, जो कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग है। तो क्या इसका अर्थ है कि स्त्री का भी लिंग है? जी नहीं, बस यही हम त्रुटि करते हैं। शब्दों और उनके अर्थ की जानकारी न होने के कारण हमने अन्य धर्मों को भी पूजनीय शिवलिंग का मजाक बनाने का अवसर दिया। तो अब जानते हैं कि शिवलिंग का क्या अस्तित्व है और क्यों इसकी पूजा अर्चना की जाती है। आकाश, शून्य, ब्रह्मांड, अनंत और निराकार शिव का प्रतीक होने के कारण इसे लिंग का नाम दिया गया। स्कंद पुराण के अनुसार आकाश स्वयं एक लिंग है। शिवलिंग वास्तव में ब्रह्मांड की आकृति है। ब्रह्मांड में मुख्यतः दो ही चीजें उपस्थित हैं, पदार्थ एवं ऊर्जा। शरीर पदार्थ से निर्मित है तथा आत्मा ऊर्जा से। इस प्रकार शिव पदार्थ का प्रतीक है तथा शक्ति ऊर्जा का। शिव व शक्ति के मिलने से शिवलिंग का निर्माण हुआ है। अनेकों लोगों का सोचना है कि शिव व पार्वती, शक्ति व शिव तथा स्त्री व पुरुष का मिलन शिवलिंग है, परंतु ऐसा सोचना उचित नहीं है। कैसे हुआ शिवलिंग का निर्माण? हमारे ऋषि मुनि, जिन्हें शास्त्रों से विज्ञान तक की पूर्ण समझ थी, उन्होंने गहन विचार के पश्चात ही शिवलिंग का निर्माण किया। स्कंद पुराण में उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि दीपक की ज्योति पर ध्यान केंद्रित करके भगवान से जुड़ने का प्रयास करते थे, परंतु हवा के कारण ज्योति हिलने से ध्यान एकाग्र हो पाना संभव नहीं था। तब ज्योति के आकार का एक विकल्प ढूंढा और शिवलिंग के रूप में स्थापित किया। इसलिए शिवलिंग ज्योति का आकार है, न कि शिवजी का गुप्तांग। तो दोस्तों, यदि आप शिवलिंग को लेकर कोई गलत तथ्य रखे तो आप सही बात उन तक पहुंचाएं और गर्व से कहिए कि हम हिंदू हैं। और इसी के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।